क्वेश्चन है, टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ एरिया ए आर सेपरेटेड बाय टू डिफरेंट डाइइलेक्ट्रिक्स एज शोन इन द फिगर, द नेट कैपेसिटेंस इज, नेट कैपेसिटेंस बताना है क्या हो जाएगा। तो अगर हम इनको ए पॉइंट को यहाँ बना ले और बी पॉइंट को यहाँ बना ले तो हमारे पास ये दोनों प्लेट्स बन गई। अब इस पोर्शन को हमने यहाँ रख दिया और ये दूसरा पोर्शन हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे। तो d बाय टू इनका क्या है, डिस्टेंस है, और एरिया दोनों को क्या रहेगा, सेम ही रहेगा क्योंकि अब भी इनका दोनों का एरिया क्या है, a है। तो हमने इनको कट करके नहीं लिखा तो इसका एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, a बाय टू, a बाय टू, a a उनका दोनों का क्या होगा एरिया। अब ये दोनों क्या है सीरीज में, तो c इफेक्टिव हमारे पास क्या आ जाएगा, वन, वन बाय सी इफेक्टिव क्या हो गया, वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू, ये हमारे पास क्या आ गया सी इफेक्टिव, वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू हमारे पास क्या आ गया सी इफेक्टिव। देन सी इफेक्टिव हमने निकालना है तो ये क्या आ गया वन बाय सी इफेक्टिव इक्वल टू क्या आ गया वन बाय सी वन ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा डी बाय टू प्लस ए वन बाय में ए एप्सिलॉन नॉट के टू डिवाइड बाय में डी बाय टू ये आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा डी डिवाइड बाय में टू ए एप्सिलॉन नॉट के वन प्लस डी डिवाइड बाय में टू ए एप्सिलॉन नॉट के टू, ये आ गया हमारे पास। तो वन बाय सी इफेक्टिव इक्वल टू क्या आ जाएगा डी हमारे पास डी डिवाइड बाय में टू इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट और के वन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है वन प्लस डी बाय में टू इंटू ए एप्सिलॉन नॉट और के टू की वैल्यू दे रखी है टू। तो हमारे पास वन बाय सी इफेक्टिव क्या आ गई है डी बाय में टू ए एप्सिलॉन नॉट प्लस डी बाय में फोर ए एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाय सी इफेक्टिव दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ए एप्सिलॉन नॉट तो ये आ जाएगा 2 डी प्लस डी यानी कि 3 डी डिवाइड बाय में 4 ए एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में अगर हम सी इफेक्टिव लिखें तो सी इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारे पास 4 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में 2 डी यानी कि 2 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में डी। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, सी इफेक्टिव क्या आ गया 2 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में डी। सॉरी ये 3d आया ना तो डिवाइड बाय में 3 आएगा तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाय में 4a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में 3d इज द c इफेक्टिव, दिस इज द आंसर। हमने क्या करना था कि इन दोनों को हमने कर लिया सीरीज में हो गई ये, इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, ऐसे हमने इसको काट के लिख दिया तो a इधर आ गया और b इधर आ गया k1 और ये k2। तो c इफेक्टिव दोनों सीरीज में हो गए तो हमारे पास क्या आएगा 1 बाय c इफेक्टिव 1 बाय c1 प्लस 1 बाय c2। हमने इनको यहाँ से काट के ये करके हमने यहाँ पे a लिख दिया और ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया b, इस स्लैब को हमने लिख दिया दोनों को लिख दिया तो गैप तो इनका क्या था d बाय टू ही था। एरिया दोनों का क्या रहेगा सेम रहेगा क्योंकि हमने इनको ऐसे नहीं काटा हमने इनको ऐसे रखा है ओके। तो क्या आ गया हमारे पास a एप्सिलॉन नॉट k डिवाइड बाय d बाय टू a एप्सिलॉन नॉट k2 डिवाइड बाय में d2। हमने इनको सॉल्व करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 4a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में 3d, दिस इज द आंसर।